ইউটিউব শর্টস অনেক ট্রেন্ডিং একটা জিনিস, ফাউল কন্টেন্ট ছিল। ইউটিউব যদি এই ছোট শর্টসকে বড় করে ফেলে তো স্বাগতম সবাইকে বিচ্ছু ডিরেকশনে। আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে একটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আমরা বরাবরের মতো আজকে আপনাদের সঙ্গে যে ভিডিওটি শেয়ার করব সেটা একটি ফানি ভিডিও। আজকের ভিডিওটি মূলত হচ্ছে ইউটিউব শর্টস নিয়ে। ইউটিউব শর্টস হচ্ছে এটা টিকটকের মতো আরেকটা নতুন প্ল্যাটফর্ম। তো এই প্ল্যাটফর্মেও আবার নতুন মানুষ কিছু যোগাযোগ শুরু করেছে, অলরেডি আই মিন ভিডিও দেওয়া শুরু করেছে। আর ভিডিওর টাইটেলটি হচ্ছে ইউটিউব শর্টস ইজ দ্য নিউ টিকটক। আর ভিডিওটি আমরা নিয়েছি হচ্ছে টিকট গার্ড ইনসান থেকে। তো চলুন আমরা ভিডিওটি দেখে আসি। बात है जब क्रिंज अपनी चरण सीमा पर था। कल के पैदा हुए निब्बे निपिया पढ़ाई छोड़ के सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बने फिर रहे थे। बालों में कलर करा के कतई शाकाला का बूम बूम की पेंसिल बने फिर रहे थे। वीडियोस के लिए कुछ भी कर रहे थे और इस सब का रीजन था वो एक ऐप टिकटॉक। इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने टिकटॉक के खिलाफ आवाज उठानी शुरू करी, लेकिन फिर एक मसीहा आया, वो रेवोल्यूशनरी जिसने टिकटॉक के लिए आवाज उठाई। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दैट्स योर बॉय आमिर सिद्दीकी। जिसके बाद एक युद्ध हुआ, वो युद्ध जो वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू से भी भयंकर, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से भी भयंकर, वो युद्ध जिसने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का महासंग्राम। लेकिन फिर एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई, उनसे चाइनीज ऐप्स आए, टिकटॉक को भी भारत में बैन कर दिया गया है। पहली फुर्सत में निकल। टिकटॉक बंद होने के बाद काफी सारे टिकटॉकर्स इंस्टाग्राम रील्स पर वीडियोस बनाने लगे। मीमर्स और यूट्यूबर्स मस्त खुश अपना जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी सुजन दीदी ने एक बड़ा धमाका किया। मैं हूँ यूट्यूब की सीईओ सुजन वुड। छापरी हेरा फेरी मूवी में ना एक बहुत सही डायलॉग है कि इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगा। इनसे टिकटॉक छीन लो, इंस्टाग्राम रील्स छीन लो, अब ये यूट्यूब शॉर्ट्स पे आके भी गुड़गोबेरी करेंगे। कोयले को कितना भी धो लो, सर्फ से, निर्मा से, रिन से, काला का काला ही रहता है। इसी तरह ये लोग भी कभी सुधर नहीं सकते। अबे भाई तू ढंग से पैदा तो हो ले, अंडे में से चोच नहीं निकली है भाई, मर्डर करने चला है यहाँ पे, बड़ा गैंगस्टर बन रखा है। और ये अंडे में जो कब्जी वाला एक्सप्रेशन दिया है इसने, मेरी बंदी थी तो दिखता भी था ही, बता डालूंगा जाके बता दूंगा, तू मेरी नकल करता है। अब ये वीडियो बनाने का ना आइडिया मुझे कैसे आया, मैं दो दिन पहले ऐसा मस्त बैठा हुआ यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियोस देख रहा था, एंड तब भी हेलो गाइस, मैं तिरगान इंस्टाग्राम का बोल रही हूँ, मेरा पेट में इसका बच्चा है, मेरे को प्रेग्नेंट बना के वो अभी धोखा देके छोड़ के चला गया। आप लोग बताइए मैं क्या करूँ, वो बच्चा लेके कहाँ पर जाऊँ, आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करो भाई, वो तिरगान इंस्टाग्राम को बोलो, आप लोग रिक्वेस्ट करो, जो भी करो, मेरा इसका पेट में मेरा बच्चा है, क्या बताओ आप लोग, मेरे को कुछ नहीं है मेरे साथ। मुझे पागल होगा, मेरे को क्या पता। मर्जी, इट्स हिज चॉइस। सच्ची बात
कसम से इस वहशी दरिंदे ने इस बालों की दुकान ने ना घर से निकलवा दिया था मुझे। ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या ये क्या चीज है भाई? ये क्या है? एलियन के शक्ल के अला जावे। 4 महीने पहले मैंने डीजे मृणाल की जब रोस्ट वीडियो बनाई थी तब मैंने बोला था ये इंसान नहीं है, ये एलियन है, ये सच में एलियन है। है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। और अब ये कह रहा है कि मैंने इसको so basically ये जो वीडियो है ये डीजे मृणाल ने जो मैंने उस पर रोस्ट वीडियो बनाई थी उसके रिस्पॉन्स में बनाई है, वो मुझको रोस्ट कर रहे हैं। ट्रिगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप लोग की ट्रिगर को जाके समझाओ कि आपका अपना बच्चा। ऐसे होता है क्या रोस्ट? बस ये बोल देना कि इसने मेरे दोस्त को अच्छा अब समझा। नहीं मुझे तो आता नहीं है ना, मैं तो रिएक्शन चैनल हूँ। अभी मैं समझ गया कि रोस्ट कैसे करना है। रुको हाँ तो सही, एक मिनट। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे दोस्त की जो हालत है ये डीजे मृणाल ने करी है। क्या करवा रहा था? अरे बताया ले आया। अरे तू रुकना गाइस, ये डीजे मृणाल का बच्चा ऐसे करते हैं, समझे क्या? आया बड़ा रोस्टर। अबे पहले मुंह से पान मसाला तो थूक ले। आप लोग की ट्रिगर को इस अगले पार्ट के लिए ना मेरे को एक प्रोफेशनल की जरूरत थी एंड इसलिए मैंने इसको बुलाया है। ये एक प्रोफेशनल VFX एक्सपर्ट है। साले मैं तो वेब डेवलपर हूं। कट कर देना प्लीज। तो ये एक प्रोफेशनल VFX एक्सपर्ट है। है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। एंड अब ये इन वीडियोस को रिव्यू करने वाला है। वाह क्या सीन है भाई। इस कमाल की फोटोशॉप एडिटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दुनिया काफी आगे निकल चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुकी है, बट ये क्या है? ये तो टट्टी है। ये लड़की रेलवे लाइन के बीचों बीच बैठ के वो भी पॉटी पोज में ये कर रही है। इसको क्या बोलते हैं वो अरे वो समझ गए ना, जिसके बाद करके पानी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। तो ठीक है गाइस, आई थिंक इसको आंखों में हार्ट अटैक हुआ है। पहले हार्ट में होता था, हार्ट अटैक अभी आंखों में हार्ट अटैक। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वाह मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस ये कहना चाहूंगा कि फोटोशॉप हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। मुझे माफ कर दे, आप मुझे छुट्टी दे दे, मैं बस नहीं खेलना चाहता, मैं अब जा रहा हूँ। 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग। इसके 150 रुपया काटना ओवर एक्टिंग के, 50 भी नहीं 150 काटना है। बहुत बड़ा ओवर एक्टर है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि YouTube शॉर्ट्स पे बस एक ही नमूना है। अरे लाले यहाँ तो सभी दिल चले जा रहे हैं। From one नमूना to another, जिसके सर पे कम है बाल, अपनी माँ का लाल, जिसकी वीडियोस देख के आप हो जाएंगे बेहाल, प्रेजेंटिंग दीपक का लाल। आप लोग बहुत बदसूरत हो, बहुत ज्यादा, इसीलिए आप लोगों को होली के दिनों में लोगों को मेकअप से रंगाना चाहिए जिससे उनकी खूबसूरती में निखार आए। लोगों को लिपस्टिक से रंगाना चाहिए, लोगों को खूबसूरत बनाना चाहिए, है ना मम्मी? हमारा दीपक तो पकड़ पकड़ के हेयर लवरी लगाता है। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, आप लोगों को खूबसूरत बनाओ। लव यू फ्रेंड्स, दीपक विद दिस होली वाली होली मैम। वाह मुझे टाटा का जो, मुझे टाटा का जो, मैं बहुत खुश हूं। बाय टाटा। ये बंदा जानबूझ के क्रिंज कंटेंट बनाता है ताकि लोग इसके क्रिंज पने के चलते ही इसको थोड़ी बहुत फुटेज तो दे, बट ये ऐसी शक्ल का बंदा दूसरों को बदसूरत कैसे बोल सकता है? आप लोग बहुत बदसूरत हो। खुद की थूत दस्त लगे दरियाए घोड़े जैसी, और वो भी टकला, और दूसरों को बदसूरत बोल रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एंड इससे ज्यादा दुख तो मेरे को इसकी बेचारी मम्मी के लिए लग रहा है। वो इतनी स्वीट सी आंटी इसके साथ बैठ कैसे जाती है इसकी वीडियोस में? वो इसको देख के, इसकी हरकतें देख के वो भी बोलती होगी क्या मेरे औलाद नहीं है साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। आंटी हैट्स ऑफ टू यू, जो ऐसी औलाद आपने सहली, वरना मैं तो कब का नहाता आश्रम में फेंका। बचपन में जब बच्चे सर के बल गिर जाते हैं ना यही नतीजा होता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
क्या लुईस फोंसी ने आत्महत्या कर ली? हे भगवान, बताओ इसका ये गाना सुन के फोंसी भैया चल बसे। मैंने माना ये गाना नहीं गा पाए है जमाना, पर इसका मतलब ये थोड़े ना लोटो मोटो चौकलो बोटो बांग्ला पोटो। मैं तुम्हें गा के सुनाता हूँ ये गाना, मैंने सीखा है। डेस्पासीटो लोटो पोटो। हमें छापरी हमें छापरी इंग्लिश तो चल सेकंड। इन्हीं को देख के तो कैरी भैया का डायलॉग है, तीली जैसा शरीर और मोमबत्ती जैसे बाल, अतः शामिल है ना तुम वाली पेंसिल। लो रखे घर जाके अपने बालों के झाड़ू से दीवारों पे लगे मकड़ी के जाले भी तो साफ करने हैं इन्होंने। मेरा हेयर स्टाइल बेकार है, मैं जानता हूं किसने गलत फहमी में डाल दिया कि इस पे हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे लोग रहते हैं यार यहां पर। अगर YouTube तुम्हें 15-15, 20-20 सेकंड की वीडियोस बनाने के लिए भी पैसे देने लगे और उन वीडियोस को ट्रेंडिंग पे भी डालने लगे, तो यार 10 मिनट की वीडियोस उसके लिए मेहनत करना, पहले स्क्रिप्ट लिखना, फिर रिकॉर्ड करना, एडिट करना, क्यों करना है? फोन उठाया, 15 सेकंड की शॉर्ट्स वीडियो बनाई और कर दी अपलोड। जैसे कि ये अनम नगमा गेस द प्राइस और जो गेस करेगा उसको मिलेगा जूता। 450 इज द राइट आंसर। और इस वीडियो पे 6.5 मिलियन व्यूज। ऐसे तो अगर तुमने सही से गैस करा कि मेरे मुट्ठी में कुछ है या नहीं, तो तुमको मिलेगी दीपक कलाल की चुम्मी। अभी बताओ बताओ क्या कह रहे हो, खाली है? सही बात है। अब ऑफेंड मत हो जाना कि आवेश भैया की वीडियो कैसे यूज कर ली तूने। मैं सिर्फ तुमको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आजकल शॉर्ट्स वीडियोस पे कितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं एंड यूट्यूब इसको प्रमोट भी बहुत ज्यादा कर रहा है। क्या आने वाले टाइम में लोग जो है वो ऐसा लंबी लंबी वीडियोस बनाना छोड़ के यूट्यूब शॉर्ट्स ही बनाने वाले हैं? क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी जब पैसे बनेंगे एंड सब कुछ होगा, ट्रेंडिंग पे भी आएगा, तो फिर पूरी वीडियो बनाने का क्या फायदा है? यूट्यूब जनता जवाब चाहती है नहीं। एनीवेज, इन्हीं सब सवालों के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। ओके फैंस, कट कट कट, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। তো ওভারঅল ভিডিওটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছো যে আসলে বিষয়টা কি ঘটতে যাচ্ছে। ইউটিউব শর্টস অনেক ট্রেন্ডিং একটা জিনিস হয়ে গিয়েছে এখন। হ্যাঁ, আমরাও কিন্তু ইউটিউব শর্টসে অনেক ভিডিও দেখি। আমরাও রিসেন্টলি একটা ইউটিউব শর্টস ভিডিও ছেড়েছি। তো ইউটিউব শর্টস ভিডিও অনেক ভিউ হয়, সেই জন্য দেখা যাচ্ছে টিকটক, তারপর হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম রিলে যারা ছিল, যারা ফানি কন্টেন্ট তৈরি করতো, বাট সব তো ফানি কন্টেন্ট ছিল না, কিছু ফাউল কন্টেন্ট ছিল, সেইগুলো যখন ইউটিউবের শর্টসে চলে আসে তখন জিনিসগুলো আসলে দেখতে ভালো লাগবে না। আর এই এই ধরনের মানে ফালতু টাইপের জিনিস দিয়ে যদি কেউ আর্ন করতে পারে, তাহলে আমরা যে এখন অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি, কষ্ট করে ভিডিও করছি, তারপর আবার ভিডিও এডিট করব, দেন আপলোড করব, তাহলে এগুলোর ফায়দাটা কী হবে? হ্যাঁ, আসলে সে এত কিছু হাসি ঠাট্টার মধ্যেও সে মূল মেসেজ যেটা দিতে চাইছে সেটা হচ্ছে যে ইউটিউব যদি এই ছোট শর্টসকে বড় করে ফেলে, তখন যারা বড় লম্বা ভিডিওগুলো করে বা ইনফরমেটিভ ভিডিও করে বা অন্য আমরা যারা সবাই ভিডিও করছি, তাদের ভবিষ্যৎটা কী অ্যাকচুয়ালি সেটা জানার জন্যই সে ধরনের ভিডিওটি করেছে। কিন্তু ওভারঅল ভিডিওটি ফানিও ছিল, কারণ আসলে শর্টস টিকটক একই তো, যেটা সে দেখালো টিকটক আবার ব্যাক করেছে কিন্তু নাম চেঞ্জ করে, এখানে কোনো কিছুই চেঞ্জ হয় নাই মূলত, তো সে আবার একই রকমই থাকবে সব কিছু। যদি ওরকমই হয় তাহলে আসলে এখানে বলবো যে ইউটিউবের যারা কাজ করে, কষ্ট করে কাজ করে, তাদের জন্য আসলে দুঃখজনক ঘটনা। হ্যাঁ, এখনও যদিও শর্টসে কোনো ধরনের পেমেন্ট দেওয়া শুরু হয়নি, বাট এটা যদি শুরু হয় তখন আসলে লম্বা ভিডিও বানানোর জন্য যে সময়টা সেটা অযথাই নষ্ট হবে, ওই সময়ের মধ্যে অনেকগুলো আসলে শর্টস বানানো। হ্যাঁ, আর মানুষ হয়তো বা তখন এই শর্টসের প্রতি বেশি ঝুঁকে যাবে, ঝুঁকে যাবে, তখন এই লম্বা ভিডিও দিকে কেউ তো নজর দেবে না। তবে ওভারঅল টিকা গার্ডিসন যে ভিডিওটা বানালো, তাদের ভিডিওটা কিন্তু সুন্দর ছিল। প্রথমে সে তার পাপাকে নিয়ে আসলো, তার পাপা হচ্ছে টিকটক, এবং শর্টসের যে সিও তার মাকে দেখালো যে শর্টসের যে সিও, এটা অনেক সুন্দর হয়েছে। এবং তারপর হচ্ছে সে তার ফ্রেন্ডদেরকেও নিয়ে আসছে, তো ওভারঅল এই জিনিসগুলো খুব সুন্দর ছিল। আর এখন শর্টসে যেটা দেখালো যে সে বাচ্চার বাবা আর কি প্রেগনেন্ট করেছে একজনকে, তো এই ধরনের ফান যারা করে, আমি সময় তো লাগে না, জাস্ট
সেকেন্ডে আর কতটুকু এর এই ধরনের বলবো কি অন্যকে না ঝাল করার জন্য যে ধরনের ভিডিওগুলো করা এগুলো না করাই বেটার আমার কাছে মনে হয় যে না বড় ভিডিও দেখুন লম্বা ভিডিও দেখুন বুঝে শুনে দেখা উচিত স্মার্ট কন্টেন্ট দেখা উচিত এবং যার যেরকম রুচি সেরও রুচি অনুযায়ী অনেকে অনেক কিছু করছে কিন্তু তারপরও আমার কাছে মনে হয় যে শর্টস আই মিন আমার কাছে এটা কখনোই ভালো লাগে না টিকটকের ভিডিও এরকম না তো আই থিঙ্ক আমাদের আজকের রিয়েকশনটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন আমরা আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি তো আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন